AM10 इंटू शूटिंग अकेडमी में शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में विजेताओं को नगर आयुक्त विशाल सिंह ने किया सम्मानित। जी हां, अयोध्या में AM10 इंटू शूटिंग अकेडमी हनुमत नगर पहाड़गंज में 3 दिवसीय ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ। आए हुए मुख्य अतिथि का शूटिंग चैंपियनशिप के आयोजक दिनेश सिंह द्वारा बुके और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि नगर आयुक्त विशाल सिंह ने शूटिंग प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर स्मृति चिन्ह देते हुए पुरस्कार की नगद राशि प्रदान की। विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए पूर्व MLC लीलावती कुशवाहा, डॉक्टर महेंद्र सिंह विष्णु, डॉक्टर DR भुवन, प्रोफेसर कपिल राणा, पूर्व MLC लीलावती कुशवाहा, पार्षद चंदन सिंह द्वारा भी विजेता खिलाड़ियों को मेडल स्मृति चिन्ह और पुरस्कार के रूप में नगद धनराशि प्रदान की गई। मुख्य अतिथि नगर आयुक्त विशाल सिंह ने कहा कि श्री राम नगरी अयोध्या में AM10 इंटू शूटिंग अकेडमी द्वारा इस तरह की प्रतियोगिता कराकर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, जिससे कि वो अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हमारी सरकार द्वारा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वह अपने देश का नाम रोशन कर सके। श्री सिंह ने शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के आयोजक कैप्टन दिनेश कुमार सिंह को बधाई देते हुए खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और प्रतियोगिता का आयोजन AM10 इंटू शूटिंग एकेडमी के निदेशक और कोच कैप्टन दिनेश सिंह द्वारा किया जा रहा है। कैप्टन दिनेश सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश के लगभग 300 खिलाड़ी ने प्रतिभाग किया। मेडल विजेता डॉक्टर DR भुवन ने बताया, अब तक उन्हें शूटिंग प्रतियोगिता में 48 मेडल प्राप्त हो चुके हैं। आने वाले समय में ओलंपिक में भाग लेकर अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाने का भी प्रयास करेंगे। शूटिंग चैंपियनशिप डॉक्टर महेंद्र सिंह विष्णु ने बताया कि आज इस प्रतियोगिता में उनके पुत्र ध्रुव सिंह ने मेडल प्राप्त करके राम नगरी अयोध्या का नाम रोशन किया। कैप्टन दिनेश सिंह ने बताया कि हमारी शूटिंग अकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करके आज 2 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रायल दे रहे हैं और 14 खिलाड़ी नेशनल स्तर पर प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 5100 का कैश प्राइज दिया गया। चैंपियनशिप प्रतियोगिता में के दौरान आए हुए खिलाड़ियों ने कहा कि AM10 इंटू शूटिंग एकेडमी में आकर उनको काफी अच्छा लगा और यहां पर शूटिंग संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहां के कोच कैप्टन दिनेश सिंह द्वारा उनको अच्छी तरह से शूटिंग संबंधित जानकारियां प्रदान की गई। ये 10X एकेडमी के कैप्टन दिनेश कुमार जी के द्वारा ये इंटर स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें जैसा मुझे बताया गया कि ना केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी बच्चे यहाँ शूटिंग के इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए और उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न जिलों के बच्चों ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और मेडल्स जीते। आज उनका समापन समारोह था, जिसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया और मैं आज आकर बच्चों से ना केवल मिल सका, उनको मेडल दे सका, बल्कि यहाँ का जो इनका प्रयास है उसके महत्व को भी समझ सका। आने वाले समय में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी खिलाड़ियों को और खेल को प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। खिलाड़ियों को एज अ खेल को अपने कैरियर के रूप में चूज़ करने का भी अवसर दिया जाए, इसके लिए उनको जब वो खेलों से रिटायर होते हैं तो उनको लगातार नौकरी दी जाती है, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग के बारे में प्लान किया जाता है और जब वो खेल रहे हैं उस समय उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, इसका प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आज एक प्राइवेट सेक्टर के रूप में, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में रिटायर्ड आर्मी के जो कैप्टन दिनेश कुमार जी का प्रयास है, मैं उनको साधुवाद देता हूं और यहां पर उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, जो लगातार ना केवल खेल की सेवा कर रहे हैं बल्कि देश की सेवा कर रहे हैं और यूथ को एक दिशा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएँ मुझे देनी है 10X अकेडमी को और इसके संचालक को और इस पूरी टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शूटिंग अच्छी थी, इसमें पूरे भारत के हर प्रांतों के लोग, बहुत सारे प्रांतों के लोग यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पे एक अच्छा कंपटीशन था, बड़ा फेयर कंपटीशन था। यहाँ हमें एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल मिले हैं, इस तरह से हमारे कुल मेडल की संख्या 48 हो गई है, 48 मेडल हो। लक्ष्य है कि बहुत शीघ्र ही हम कोई इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। सिंह विष्णु, क्षेत्रीय आवेदक अधिकारी अयोध्या। यहाँ पर आज हमारे बेटे द्वारा मैच खेला गया और ये बहुत ही अच्छी मैच की यहाँ व्यवस्था थी और ये 10X शूटिंग रेंज पे मैच हो रहा था अयोध्या में और यहाँ पे मेरे बेटे ने मेडल जीता है और ये आगे नेशनल लेवल तैयारी कर रहे हैं, नेशनल क्वालिफाई हो चुके हैं। ये इंडिया टीम के कोच हैं दीपक दुबे सर, वो इनको प्रशिक्षण देते हैं और भविष्य में इनको वहीं पे जाना है।
नाम ध्रुव सिंह है, मैंने आज यहाँ टेनिस शूटिंग रेंज और मैं बहुत सारे मेडल जीत चुका हूँ और मुझे मैं नेशनल शूटर हूँ और मैंने ऑल इंडिया मेडल जीते हुए बोर में और एयर राइफल बोर में। हमको ये तैयारी कि हमको इंडियन टीम में सेलेक्ट होना है और हमारे दीपक दुबे सर हमको सिखा रहे हैं सेलेक्ट होने।